कैनाबिस या मैरिजुआना साइकोसिस या गांजा साइकोसिस करके एक बीमारी है जो गांजा स्मोकिंग से होती है। तो इसके बारे में मैं आज हमारे एक पेशेंट को बताने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। यह हमारा एक सेंटर है व्यसन मुक्ति केंद्र, इसका नाम है सन्मित्र हॉस्पिटल। ये 200 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ हम लोगों का इलाज करते हैं जो क्रॉनिक पेशेंट्स है, जो एडिक्टेड है शराब के, गांजा के। तो एक गांजा एडिक्शन का एक पेशेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। ये पेशेंट जो मैरिजुआना प्लांट होता है, छोटा झाड़ जो होता है मैरिजुआना के, या कैनाबिस प्लांट बोलते हैं उसको, तो उसके वो पत्ते से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है और वो स्मोक किया जाता है। टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल उसमें ड्रग रहता है, तो उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स है ब्रेन के ऊपर। उसका एडिक्शन होता है, उसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। अभी मैं आज बताने वाला हूँ जो पेशेंट हमारे यहाँ भर्ती है जिसका हमने इलाज किया गांजा के लिए। तो ये देखिएगा, हमारे डॉक्टर सुनील खराटे जो है, जो यहाँ के इंचार्ज है, वो ये पेशेंट के बारे में इंटरव्यू लेके आपको बताएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील खराटे, केळकर हॉस्पिटल रामदासपेट अकोला, महाराष्ट्र में हमारा हॉस्पिटल है। व्यसन मुक्ति का काम हम करते हैं। जिनको आप घर पर नहीं रख सकते ऐसे पेशेंट हम रखते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनको टैबलेट देना, खाना देना, ऐसा सब हम उनका करते हैं और उनको अच्छा होने के बाद में घर पे भेजते हैं। तो आज अपन बात करेंगे गांजा की, कैनाबिस जिसको बोलते हैं गांजा। तो गांजा का कैसा रहता है कि गांजा जब एक बार पीने लगता है, पहले तो थोड़ा थोड़ा पीते हैं, उनको अच्छा लगता है, खाना अच्छा जाता है, एकदम चुस्त फुर्त लगता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि गांजा की वजह से गांजा की लत उसको लगती है और गांजा अगर नहीं मिला तो वो वायलेंट होता है। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। उसमें क्या होता है, गांजा जब मानसिकता गांजा से जब ख़राब हो जाती है तब बड़ी बड़ी बातें करना, खुद को बड़ा समझना, खुद को होशियार समझना, ऐसी बातें आती हैं। झगड़े पे वो लोग आते हैं, गांव में झगड़े करते हैं। ऐसा पेशेंट मैं आज दिखाने जा रहा हूँ जिसकी उम्र कुछ भी नहीं है, लेकिन नशे की वजह से उसका पूरा जीवन बर्बाद होने जा रहा था, लेकिन उनके घर वालों ने वीडियो देखा और उनको हमारे पास में लेके आए। तो उनसे अपन बात करते हैं। कितने साल से पीते थे? 4 साल। 4 साल से गांजा पीते थे। कितना होता था हर दिन गांजा? एक पूड़ी, दो पूड़ी। एक पूड़ी गांजा अगर नहीं पिया तो क्या होता था? गांजा अगर नहीं पिया तो हाँ क्या होता था, बोलिए, बात करिए आप। गांजा नहीं पिए तो फड़फड़ फड़फड़ जैसे लगता था अंदर। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। आपके घर वाले परेशान थे गांजा की वजह से? हाँ, मेरे घर वाले परेशान थे, लेकिन मेरे को बहुत बुरी लत लगी थी। ये नहीं मिला तो अजीब सा ही लगना चालू करता था। गांजा अगर इनको नहीं मिला तो इनको अजीब अजीब सा लगता था, इसकी वजह से वो फिर चिड़चिड़ करना, बड़बड़ करना, किसी को भी मारपीट करना, किसके ऊपर भी गुस्सा आना, ऐसी उनके हालात होती थी और उसकी वजह से उनके घर वालों ने यहाँ पे डाला है। अभी कैसा लग रहा है? अभी नॉर्मल है, अभी ठीक है। गांजा नहीं मिलता तो यहाँ पे कैसा लगता है? फिर ठीक है ना, अभी कंट्रोल कर लिया मैंने। अभी कंट्रोल हो गया? अभी कंट्रोल, मेडिसिन के बाद में कंट्रोल हुआ। मेडिसिन जब नहीं थी, ये लोग वैसा छोड़ नहीं सकते, छोड़ने की इच्छा भी रही तो वो छोड़ नहीं सकते, उनको दवा का सहारा लेना पड़ता है। अगर ऐसा पेशेंट आपके पास में है, आपके गांव में है, आपके परिवार में है, तो उनको लेके आइए, उनको हम अच्छा करेंगे, गारंटी से उनको अच्छा करेंगे। अच्छा होने के बाद में उनको घर पे लेके जाइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो, थैंक यू। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म के भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं।
इंस्टा मोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।